आपका जो सबसे बड़ी चीज़ है आपको 100 सब्सक्राइबर्स पहुंचने के लिए वो है कुछ टाइम पहले हमारे चैनल के होते 100 सब्स एंड यू नो इट्स अ बिग माइलस्टोन। या ये उतना बड़ा माइलस्टोन नहीं है एज कम्पेयर टू बिग यूट्यूबर्स, बट ये वन ऑफ द टफेस्ट थिंग है इन योर यूट्यूब जर्नी। सो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप 100 सब्सक्राइबर तक पहुंच सकते हो, क्या क्या मैंने करा वहां तक पहुंचने के लिए एंड कितना टाइम लगा मुझे 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के लिए। सो वेलकम टू द वीडियो टाइटल्ड हाउ टू गेट योर फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो मैंने इस चैनल में काफी सारी गलतियां करी हैं जो कि मैं आपसे शेयर करने वाला हूं ताकि आप वो गलती ना करो। तो सबसे पहले आपको अपनी नीश कंफर्म करनी होगी एंड इस चीज में मैं काफी अटका था बिकॉज आप देख सकते हो सबसे पहले हम गेमिंग के वीडियोस डालते थे, फिर हम टेक में आए, फिर व्लॉग गेमिंग एक्सेट्रा एंड फाइनली अभी हम टेक में हैं। एंड जब से मैं फाइनली टेक में आया हूं तब से मुझे काफी इंप्रूवमेंट लगा है बिकॉज नीश कंफर्म करने से आपके ऑडियंस को पता होगा कि आपके चैनल में उनको क्या मिल सकता है एंड यूट्यूब को भी ईजी होगा और ऑडियंस तक आपका वीडियो पहुंचाने के लिए एंड इससे आपको ज्यादा इंप्रेशन आएंगे यानी उससे ज्यादा व्यूज आएंगे एंड सब्सक्राइबर्स उससे खुद ही बढ़ जाएंगे। सो सबसे पहले आपको कंफर्म करना होगा कि आपको व्लॉग्स डालने हैं, टेक का वीडियो डालना है, गेमिंग डालना है या एक्सेट्रा। अभी का नेक्स्ट स्टेप है बी कंसिस्टेंट। सी सेम डेज में वीडियो डालना इज टफ बट सेम टाइम में आप वीडियो डाल सकते हो, यानी जैसे आप मेरे चैनल को देखो तो मेरी वीडियोस हमेशा 10 AM में ही आती हैं। डे भले ही कंफर्म नहीं है बट एटलीस्ट टाइम कंफर्म है तो मेरी ऑडियंस को पता होता है कि आज वीडियोस अगर आएंगी तो 10 AM में ही आएंगी एंड 10 AM में नहीं आएंगी तो मतलब आज पूरे दिन में वीडियोस नहीं आएंगी। ऑल्सो मेरे वीडियोस के बीच में एक दो दिन का गैप होता है तो ऑडियंस भी रेडी रहती है कि आज या कल में वीडियोस आ जाएंगी। ऑल्सो आप अपने अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बनाओ और उसमें सेम नाम रखो जो आपके यूट्यूब चैनल का है, जिससे आपके ऑडियंस को पता होगा हाँ ये इसी चैनल से लिंक्ड है एंड अगर आपकी वीडियोस नहीं आ पा रही, कोई इशू हो रहा है या कुछ स्पेशल वीडियो आने वाली है तो आप वहाँ पे उनको इन्फॉर्म कर सकते हो एंड आप तो अपनी तरफ से दे रहे हो, वो आपको फॉलो करे या ना करे वो उनके ऊपर है। सो जब आप वीडियोस अपलोड कर रहे हो यूट्यूब पे उससे पहले आप वीडियो को 2-3 बार देखो एंड चेक करो क्या वीडियो आपको खुद को पसंद आ रही है। सी मुझे इतने व्यूज नहीं आते हैं आई कमिट बट मेरी जो वीडियोस है मुझे खुद पसंद आती है एंड मैं अपनी वीडियोस को 5-6-10 बार भी देख लूं मैं फिर भी बोर नहीं होता हूं। सो इस भले ही मुझे व्यूज नहीं आ रहे हैं बट अगर मुझे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो शायद मेरी ऑडियंस को भी पसंद आएगी। सो ऐसे अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाई करने से पहले आपको खुद को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अभी देखो काफी सारे लोग को ये भी कंफ्यूजन होता है कि यूट्यूब में शॉर्ट वीडियोस चलती हैं लॉन्ग वीडियोस, तो यूट्यूब क्रिएटर अकेडमी में लिखा हुआ है उनके वीडियो में भी ये बताया गया है एंड मेरे अभी तक का एक्सपीरियंस यही कहता है कि इट डजेंट मैटर। सी जरूरत नहीं कि आप शॉर्ट वीडियोस ही बनाओ या लॉन्ग वीडियोस ही बनाओ, अगर आपका टेक का चैनल है तो आप बताते रहो आपको जो जो आता है एंड अगर आप व्लॉग कर रहे हो तो व्लॉग बनाते रहो एंड एडिट करने के बाद जो भी आपका आउटपुट आ रहा है चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको अपलोड कर दो एंड अगर यूट्यूब में सिर्फ शॉर्ट वीडियोस ही चलती तो ड्रीम के 1 घंटे की वीडियोस कैसे वायरल होते हैं या अगर लॉन्ग वीडियोस चलते हैं तो गानों में इतने व्यूज क्यों होते हैं। सो इस लॉन्ग हो या शॉर्ट हो आपका वीडियो बस अच्छा होना चाहिए। अभी देखो नेक्स्ट चीज, आपको यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स चाहिए क्यों। अभी देखो जल्दी से वीडियो को पॉज करो एंड कमेंट सेक्शन में सच सच बताना कि आपको अभी क्या लगता है कि आपको सब्सक्राइबर्स क्यों चाहिए। ओके नो चीटिंग। सो अगर आपका जवाब था कि मुझे अपना चैनल मोनेटाइज करना है या मुझे पैसे कमाने हैं देन सॉरी आप यूट्यूब के लिए नहीं बने हो, बट अगर आपका आंसर था कि मुझे अपनी ऑडियंस को एंगेज करना है या मुझे जो आता है मुझे और को भी सिखाना है तो इस आपके सब्सक्राइबर्स आसानी से बढ़ेंगे एंड भले आपको टाइम लगे लेकिन आपका चैनल बहुत अच्छा बनेगा। अभी देखो सबको पैसे अर्न करने आइएगी लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे के लिए यूट्यूब में आओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आपको अपनी ऑडियंस को एंगेज करना है एंड जैसे जैसे आप ऑडियंस को एंगेज करने लगोगे एंड पैसे को भूल जाओगे यूट्यूब के मोनेटाइजेशन को देन आपका चैनल बहुत ही तेज ग्रो करेगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा एंड आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा एंड फिर तो क्या है आपकी ऑडियंस भी एंगेज हो जाएगी एंड आपको मनी भी अर्न हो जाएगा। सो इस फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ऑडियंस एंगेज करना होना चाहिए। अभी देखो आपके पास ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, सो दिस इज द टाइम देन यू नीड टू एक्सपेरिमेंट। सी आपको अपने चैनल में एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे एंड देखना हो कि आपके ऑडियंस को क्या पसंद है एंड अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो वो भी एक एक्सपेरिमेंट है बिकॉज ये फर्स्ट टाइम है जो मैं यूट्यूब ग्रोथ के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ एंड क्या पता इसमें व्यूज ना आए बट क्या पता ये वायरल हो जाए। सो कुछ कह नहीं सकते तो आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहो। अगर आप गेमिंग के वीडियोस भी डाल रहे हो तो अलग अलग टाइप से करो, आप अपनी बोलने का स्टाइल चेंज करो या अपना गेम प्ले का स्टाइल चेंज करो एंड एक्सपेरिमेंट करते रहो एंड जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं आपको 80% टाइम एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा एंड 20% टाइम आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। लेकिन जब 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो आपको सिर्फ 20% टाइम ही एक्सपेरिमेंट करने चाहिए एंड 80% टाइम आपको रेगुलर वीडियोस डालने चाहिए। सो ये आप भी एक्सपेरिमेंट करो अपने वीडियोस में, क्या पता आपका वीडियो वायरल हो जाए। अभी ना आप अपने सब्सक्राइबर्स में ध्यान मत दो बल्कि आप ये देखो कि आपके चैनल में कितनी वीडियोस हैं
एंड मैं सच बताऊँ तो हमारे चैनल में 100 वीडियोस होने वाली हैं एंड हमारे चैनल में 100 सब्स के बाद ही इंप्रूवमेंट हुआ है, बिकॉज 100 सब्स जब हो जाते हैं तो आपको थोड़ा नॉलेज आने लग जाती है एंड आप समझ लग जाते हो कि आपके ऑडियंस को क्या पसंद है क्या नहीं है एंड उसके हिसाब से आप और वीडियोज़ बनाने लगते हो। एंड 100 सब्स के बाद ही मैंने सारे ट्रिक्स अप्लाई करने लगा हूँ एंड हमारे चैनल के स्टैट्स बढ़ रहे हैं, भले ही स्लोली बट यस इंप्रूवमेंट तो आ रहा है। एंड भले ही आपके स्टैट्स बहुत धीरे धीरे बढ़े लेकिन आप खुद को भी इम्प्रूव करोगे एंड हमारी वीडियोज भी इम्प्रूव होते जा रही हैं, ऐसे ज़्यादा फर्क नहीं पता चलता है। बट अगर आप हमारी एक महीने पुरानी वाली वीडियोस देखो तो अभी उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुका है एंड वो वीडियोस आपको काफी वियर्ड लगेंगी, तो इस चैनल के इम्प्रूवमेंट के साथ आपके खुद का भी इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। अभी गाइस काफी सारे लोग यूट्यूब इसलिए छोड़ देते हैं बिकॉज उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं एंड उनको लगता है कि उनके पास अच्छा कैमरा अच्छा लैपटॉप अच्छा माइक नहीं है तो उनके सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ेंगे। यस मैं जानता हूँ आपके पास अच्छा इक्विपमेंट नहीं होगा, बट जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी कभी यहीं से स्टार्ट करा होगा एंड उनके पास कभी अच्छा फोन अच्छा कैमरा ये सब नहीं होगा। बट जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा आपके पास खुद चीज़ें आती रहेंगी। एंड आपको बता दूं कि मैं किसी भी कैमरा से रिकॉर्ड नहीं करता हूं बल्कि अपनी मम्मी के फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूं एंड जो लैपटॉप है जिसमें मैं एडिटिंग करता हूं उसमें सिर्फ 4GB ही रैम है एंड ग्राफिक कार्ड भी नहीं है। बट स्टिल मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास ये नहीं है ये नहीं है, बल्कि मैंने ये सोचा कि एटलीस्ट मेरे पास ये तो है। सो इस कभी भी ये मत सोचना कि आपके पास ये नहीं है तो आप यूट्यूब नहीं कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप बिना किसी चीज़ के भी यूट्यूबर बन सकते हो। ऑल्सो जब हमारे 40 सब्स के आसपास थे तब मेरे वीडियोज़ कुछ ऐसे दिखते थे एंड आज मेरे वीडियोज़ कुछ ऐसे दिखते हैं एंड बैकग्राउंड में कुछ ऐसे। अब गाइस जो सबसे बड़ी चीज़ है आपको 100 सब्सक्राइबर्स पहुँचने के लिए वो है पेशेंस। सी टुक मी 8 months टू रीच माई फर्स्ट 50 सब्सक्राइबर्स एंड जस्ट 3 months फॉर नेक्स्ट 50 सब्सक्राइबर्स। सो आप देख सकते हो कितनी जल्दी इंप्रूवमेंट आया है एंड आई थिंक कि अगले 50 सब्सक्राइबर्स हमारे 1 to 2 months में हो जाएंगे। सो जैसे जैसे आपके चैनल की ग्रोथ होगी आपकी ग्रोथ की स्पीड भी बढ़ेगी एंड आपको बस पेशेंस रखना है एंड इस 7 billion वाले पॉपुलेशन में किसी को तो आपका वीडियो पसंद आएगा ही एंड आप बस वीडियोस डालते रहो एंड उस पर इम्प्रूवमेंट करते रहो। ये नहीं कि आप कुछ भी डाल दे रहे हो जो कि पुरानी वाली वीडियोस से भी बेकार है, आप वीडियोस में इम्प्रूवमेंट करते रहो नई नई चीज़ें डालते रहो एंड आपके चैनल की ग्रोथ इतनी तेज़ होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। एंड आप बस हार मत मानना, पेशेंस रखते रहना एंड चीज़ें इम्प्रूव करते रहना एक्सपेरिमेंट्स करते रहना एंड 100 सब्सक्राइबर्स बहुत ही जल्द हो जाएंगे। सो गाइस ये था आज वाली वीडियो के लिए, होप करता हूँ अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोज़ के लिए एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।